बोल रही हूँ आपको सिक्योरिटी की जरूरत है ना, मैं बोल रही हूँ ना ये सारी चीज़ आपने जो भी चीज इंटर लेके जानी है, इंटर लेके जानी है हमसे पूछना है, प्रॉपर उसकी इजाजत लें, उसका गाड़ी का नंबर लिखें, अप्रूवल लें उसका। आप सबसे पहले ये बताएं जो हमलावर हम पे हमलावर हुए थे उनको आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा? कौन से हमलावर? ये आपने रिपोर्ट की? मैंने आपकी मजिस्ट्रेट को कहा, मैंने आपके मैजिस्ट्रेट को कहा, हमने उसको प्रूव किया है, वो आप ही के बंदे थे, कुछ स्पीकर की लेन देन का मसला था, आप ये दारों हमारे बंदे के आपको सिक्योरिटी की जरूरत है ना, मैं बोल रही हूँ ना ये सारी चीज़। आपने जो भी चीज इंटर लेके जानी है, इंटर लेके जानी है हमसे पूछना है, प्रॉपर उसकी इजाजत लें, उसका गाड़ी का नंबर लिखें, अप्रूवल लें उसका। आप सबसे पहले ये बताएं जो हमलावर हम पे हमलावर हुए थे उनको आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा? कौन से हमलावर? ये आपने रिपोर्ट की? मैंने आपकी मजिस्ट्रेट को कहा, मैंने आपके मैजिस्ट्रेट को कहा, हमने उसको प्रूव किया है, वो आप ही के बंदे थे, कुछ स्पीकर की लेन देन का मसला था, आप ये दारों हमारे बंदे के बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को मुसलसल तौर पर सबोताश करने की कोशिशें अभी तक जारी है। वज़ीर आज़म साहब की धमकी आवेज़ रवैये के बाद इस्लामाबाद पुलिस का रवैया उसी की तरह है। वो लोग जो इस कैंप की इमदादी मदद कर रहे हैं, वो लोग जिनको ये अंदाज़ा है कि यहाँ पे औरतें और बच्चे जो पूरे बलूचिस्तान से आ रहे हैं, जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनके लिए जगह कम पड़ गई है, उनको हरासा किया जाता है, उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है, चारों तरफ कैमरे लगाने के बावजूद हमें ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद आपका नहीं है। बार बार हमें यही पैगाम दिया जाता है कि हमारे पुरअमन एहतजाज से रियासत को सबसे बड़ा ख़तरा लाहिक है। हम उस आवाम से अपील करते हैं जो इस बयानिए के साथ है, हम उस आवाम से अपील करते हैं जो कत्ल व गारत के ख़िलाफ़ है, हम उस आवाम से अपील करते हैं जो इन माओं बच्चों के एहसास इसके दर्द को एहसास रखते हैं, और जो हमारे बयानिए के साथ है कि कल होने वाले एहतजाजी शटर डाउन में हमारा साथ दें। अब वक्त आ गया है कि अमली तौर पर पूरी आवाम, ये पाकिस्तान की आवाम, इस रियासत को ये पैगाम दे कि अपने आइन को लागू करो, अपने आइन को इज़्ज़त दो, अपने आइन की कदर करो। आप इस मुल्क के इस स्टेट के वज़ीर आज़म हो और आपने जिस आइन का ओथ लिया है आप उसी को ही लागू करो और इस तहरीक का साथ दें। इस तहरीक से जुड़े हुए हर फर्द को, आज ये तहरीक शायद अपने 40वें दिन में गुजर चुकी है और आज हमारे पास तकरीबन 100 से ज़ायद ख़ानदान है जो इस तहरीक के अमरा हैं, लेकिन इस तहरीक को पूरे पाकिस्तान की हिमायत हासिल है। हम आप सब से गुजारिश करते हैं कि हमारी तहरीक की मदद करें, और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि कोऑपरेशन के नाम पर हमारी हरासगी, हमारी प्रोफाइलिंग बंद कर दी जाए। हमें आपसे कोई कोऑपरेशन नहीं चाहिए। हम बार बार कह चुके हैं कि हमारी और आपकी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। हम यहाँ आए हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। हमें बार बार हरासा करके, तंग करके हमारे हौसलों को पस्त करने की नाकाम कोशिशें बंद कर दें। थैंक यू।